हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी जो आज की क्लास है, स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हम अपनी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से दो टॉपिक जो सब टॉपिक थे डिसेबिलिटीज़ के, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका फिज़िकल और विजुअल और हेयरिंग वाले थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं डिसऑर्डर्स में। आज की जो हमारी क्लास है वो भी डिसेबिलिटीज़ से ही रिलेटेड है, लेकिन ये सेकंड इसका पॉइंट है जो आपका है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिसके अंदर आपका ऑटिज़म डिसऑर्डर आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है और लास्टली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। ठीक है, तो ऑटिज़म से स्टार्ट करते हुए बात करेंगे कि कौन, और ये वाली क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि पहले आपको ऑटिज़म समझाना है, फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल, और हर किसी के अपने इम्प्लीकेशंस अलग होंगे, करेक्टरिस्टिक्स अलग होगी और बाकी चीज़ें भी अलग अलग होंगी। ठीक है, और लास्टली स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आएगा आपका। तो आई थिंक सो ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद नहीं, हाँ लाइट, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, एक या दो, तो वो आपके लास्ट होंगे। तो इसी के साथ अभी चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली पहले बात करते हैं जो ऑटिज़म डिसेबिलिटीज़ होती है, डिसऑर्डर होते हैं, वो वाले बच्चे कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात, जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी या व्यक्ति होते हैं, वो बालक होते हैं जो अपने जो आपके करीबी होते हैं, मॉम डैड होते हैं, उनको नहीं पहचान पाते, किसी भी चीज़ में प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ड होते हैं, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड नहीं होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ड रहते हैं, अपने आप में अलग थलग। तो जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, जिनमें ऑटिज़म डिसऑर्डर पाया जाता है, वो उसके अंदर क्या होता है, वो किसी को पहचानते नहीं हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं और अपने आप में अलग थलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं हम ऑटिज़म के अंदर, ऑटिज़म डिसऑर्डर में देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ मीनिंग इसका। ऑटिज़म डिसऑर्डर मीन्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन टिपिकली अपेयरिंग इन फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ दैट सिग्निफिकेंटली affect person ability to communicate, understand relationship and relate to others। ठीक है, जो स्टार्टिंग के बच्चे के फर्स्ट टू 3 ईयर्स होते हैं, उन सालों में बच्चे के लिए कोई भी रिलेशनशिप को समझना, जानना, पहचानना और उनसे कम्युनिकेट करना या फिर उनके रिलेशनशिप को रिलेट करना किसी अदर से, वो चीज़ बच्चे के अंदर क्या है, नहीं हो पाती। इट्स फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद अनयूजुअल और स्टेरोटिपिकल रिटुअल और बिहेवियर। बच्चे का जिस टाइप का बिहेवियर होता है, कि जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा क्या है, अपने मॉम डैड को जानने पहचानने लगता है, दादा दादी को जानने पहचानने लगता है, आसपास में फ्रेंड्स बना लेता है, घूमता है, फिरता है, सारी चीज़ें करता है। तो इस टाइप के बच्चे क्या है, ऑटिज़म बच्चों के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं होती है, वो अपने मॉम डैड तक को भी नहीं पहचानता, उनसे अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाता है, अदर जो पीपल्स होते हैं उनके साथ अपने बॉन्डिंग और रिलेशनशिप क्या है, कंटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये बच्चे जो होते हैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, अपने आप में अलग थलग रहना थोड़ा पसंद करते हैं। नाउ बात करते हैं टाइप की। अर्लियर ऑटिज्म वॉज क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट टाइप, ऑटिज़म डिसऑर्डर और क्लासिक ऑटिज्म। ठीक है, 2 टाइप के हैं, एक है ऑटिज़म डिसऑर्डर और क्लासिक ऑटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो क्लासिक ऑटिज़म और जो आपका ऑटिज़म डिसऑर्डर है, दोनों थोड़े सिमिलर हैं, एक में रेंज काफ़ी हाई होती है और एक में रेंज काफ़ी कम होती है। जो ऑटिज़म डिसऑर्डर है
ऑटिज्म डिसऑर्डर, उसमें क्या है आपकी ऑटिज्म की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है कि बच्चे बिल्कुल ही नहीं जान पहचान पाते हैं, बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे या उनको कितना भी ट्राई कर लो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक होता है थोड़ा क्लासिकल ऑटिज्म, जिसमें क्या है बच्चे एक लेवल तक थोड़ा सीख पाते हैं, हल्का फुल्का समझ पाते हैं अगर उनके साथ प्रैक्टिसिंग और ट्राई किया जाए तो। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स की, कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे वो बच्चे होते हैं। विड्रॉ प्रेफर एसोसिएटेड प्ले वी अलोन में नॉट रेपिडली रिस्पॉन्ड व्हेन कॉल्ड अनसर्वल स्किल डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर किसी भी टाइप की स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो पाती हैं, उनमें अपने आप में कोई भी स्किल बच्चे की, जैसे मोटर डेवलपमेंट होता है, फिजिकल होता है, मेंटल होता है, तो इस तरह के की जो स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप्ड होनी होती हैं उससे भी बच्चे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, रेपिटेटिव और ओड रेगिड बिहेवियर्स, बच्चे का काफ़ी ज़्यादा निराशजनक या फिर बिल्कुल अलग थलग का बिहेवियर रहता है। हम बच्चे से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ओवरली फोकस इंटरेस्ट और अटैचमेंट टू प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी चीज़ के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए चॉकलेट्स बहुत पसंद है, आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, आप उनके सामने लेकर आओगे तो खुशी से झूम उठेंगे, वाओ पापा आज मेरे लिए चॉकलेट लाए हो। आप उनके सामने कुछ भी रख दो, एनीथिंग एल्स, क्या वो उनकी बहुत फेवरेट चीज़ हो, नॉर्मल हो, कुछ भी, तो बच्चे क्या है उस ऑब्जेक्ट्स की टूवर्ड्स किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, लास्टिंग इंटेंस इंटरेस्ट इन कैप्शन टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक के लिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वर्बल चिल्ड्रन कैन टॉक एट लेंथ अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट, जो वर्बल चिल्ड्रन होते हैं जिनको थोड़ा बोलना, मतलब एक टाइम के बाद थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, तो वो एक लेंथ के ऑब्जेक्ट को ही फोकस करके बोल पाते हैं। मतलब अगर आपने उनको बोल दिया कि 2 घंटे की स्पीच देनी है तो वो इतना नहीं कर पाएंगे, वो हार्डली 10 या 15 मिनट का तक की क्वालिटी में लेंथ में आपके साथ बोल पाएंगे। ठीक है, गेट अपसेट बाई चांस इन रूटीन और इन अ न्यू सेटिंग नीड्स सम सेमनेस। ठीक है, कोई भी बच्चे के डेली लाइफ में न्यू रूटीन ऐड करना है या उसके लिए कुछ चेंजेस करने हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बच्चे अपने आप को वहाँ पे सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए एकदम से किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसके लिए अपनी लाइफ में एडेप्टेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए बच्चों के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। नाउ आता है अवॉइड और मेक लिटिल एंड इनकॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट। बच्चे क्या है ऑटिज्म बच्चे किसी के साथ भी बहुत जल्दी आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल बात अगर भी कर रहे होते हैं या किसी की तरफ देख भी रहते हैं तो फटाफट ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे नीचे नीचे रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। डिले और अब्सेंट स्पीच और लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इन बच्चों के लिए, वो बोलने में काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, किसी शब्द और वाक्य को कैसे प्रेजेंट करना है वो उनके अंदर नहीं आता है, अब्सेंट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, मे हैव लो एवरेज और एवव एवरेज इंटेलिजेंस, बच्चों के अंदर यहाँ पे लो और एवव और बहुत ही ज़्यादा कम वाला जो इंटेलिजेंस होता है लेवल, आईक्यू लेवल, वो काफ़ी लो होता है। स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर्स, इनके अंदर क्या है थोड़ा विजुअलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक बार जिस चीज़ को देख लेते हैं उसको नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, कंक्रीट थिंकर, थोड़े कंक्रीट थिंकर होते हैं, अगर उनके सामने कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट दिखा के आप पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कराएंगे तो वो उस वाली एज पर उस वाली स्टेज पे बच्चे के साथ वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती है। आंसर्स इनकोऑर्डिनेटली टू क्वेश्चंस, बच्चों के लिए किसी भी क्वेश्चंस का आंसर करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्टी विद वर्बल कम्युनिकेशंस, बच्चे के लिए वर्बली बोलकर कम्युनिकेशंस करने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती हैं। ठीक है,
pronoun, nouns and speech meaningful and diagnostics. जो बच्चे के लिए स्पीच होती है वो काफ़ी अनमीनिंगफुल रह जाती है, और वहाँ पे क्या होता है बच्चे के लिए वहाँ पे किसी भी प्रकार से लर्निंग कराने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है. डिफ़िकल्टीज़ विद सोशल इन्फेक्टिव प्रीटेंड प्ले और एक्सेट्रा. बच्चे का सोशल लाइफ है उसकी ज़्यादा इफेक्ट होती है कि बच्चा अब कितना ज़्यादा सोशलाइज हो रहा है, घुल मिल रहा है किसी से, कनेक्शन में आ रहा है या फिर प्लेस कर रहा है, खेल रहा है, वो टाइप की कंडीशन भी बच्चे के सामने नहीं हो पाती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी. एक्सीलेंट इन रिमेंबरिंग पीपल फैक्ट बट फाइंड डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग मल्टीपल कमांड्स. बच्चा किसी पीपल को जब देखता है तो उसको रिमेंबर करने के लिए जब ट्राई करता है तो एक या दो को पीपल्स को वो रिमाइंड कर सकता है, जैसे जो उसके पास ऑलवेज रहते हैं उसके मॉम डैड, लेकिन अपने दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मामी फूफी, इन सबको जब मल्टीपल पीपल्स आपके सामने एकदम से आ जाते हैं तो उनको रिमाइंड करना, एकदम रिमेंबर करना बड़ा डिफ़िकल्ट बच्चे के सामने हो जाता है. डज नॉट परसीव फियर एंड डेंजर. बच्चे क्या होते हैं थोड़े फियर और डेंजर से नहीं डरते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ये वाली फीलिंग भी नहीं पता होती कि डेंजर्स क्या होता है, डर क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, तो उनको डर ही नहीं लगेगा. ठीक है, चैलेंजेस विद सेंसरी प्रोसेसिंग विद सेंसिटिव लाइट नॉइज़. और बच्चों के सामने चैलेंजिंग होता है, चैलेंजेस होते हैं, ये जो लाइट होती है एकदम से तेज़ पड़ती है उससे बच्चे डरते हैं, ज़्यादा नॉइज़ हो रही है उससे भी ये वाले बच्चे डरते हैं. ठीक है, अनयूजुअल टोन मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस. बच्चों के सामने इस तरह के बच्चों के सामने अनयूजुअल टोन होता है, जो एक वॉइस टोन होता है हमारा नॉर्मल, जैसे हम बात करते हैं या बाकी चीज़ें, वो सब बच्चों के सामने अनटोन्ड होती हैं. ठीक है, नाउ ये थी आपकी करैक्टरिस्टिक्स. हमने करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली ऑटिज़म के, तो अब बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस की. एज अ टीचर आपको क्या करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है. इम्प्लीकेशंस देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लीकेशंस के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो ये चीज़ होती है कि एज अ टीचर आपको क्या क्या पॉइंट्स बच्चों के ध्यान में रखने हैं और किन किन कंडीशंस पे आपको बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है कि ये चीज़ है बच्चों के साथ, तो वहाँ पर आपको काम करना है. ठीक है, उससे पहले Children with autism disorder have difficulties in social and communication skills, thoughts, behavior and sensory processing. बच्चे का जो भी पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बिहेवियर हैं, ये सारी चीज़ें क्या है उसके ऑटिज़म डिजीज़ या डिसऑर्डर के कारण क्या है इफ़ेक्ट करती है, उसका बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होता है. नाउ लर्निंग इज़ द बेस्ट फैसिलिटेड व्हेन एक्सपोज्ड टू वायरस अप्रोप्रिएट टीचिंग मैथड एंड टीचिंग लर्निंग मटीरियल सुटेबल फॉर रिस्पेक्टिव लर्निंग स्टाइल्स एंड टीचिंग मेथड्स. बच्चे की अगर आपको टीचिंग करवानी है, लर्निंग करवानी है, ये बहुत अच्छा वे है बच्चे को सिखाने का जो ऑटिज़म डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, तो आपको वहाँ पे यही करना है कि आप बहुत अच्छे टीचिंग स्टाइल्स का यूज़ करें, टीचिंग टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करें. सिंस स्टूडेंट विद ऑटिज़म डिसऑर्डर आर विजुअल लर्नर्स एंड कॉन्क्रीट थिंकर, दे लर्न बेस्ट with use of visual and support. These are few who are a good auditor learners. ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं autism disorder वाले वो auditor learner होते हैं, ये याद रखना, good auditor learner होते हैं आपके autism बच्चे. जो आपके autism वाले बच्चे होते हैं ये आपके good ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं. ठीक है, एंड एक और चीज़ आप ट्राई करिए इनके लिए कि आप जब भी इनको पढ़ाएं विजुअल और ऑडियो एड से ही पढ़ाएं, तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन की.
फर्स्ट पॉइंट आता है इम्प्लीकेशन के अंदर, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल, थॉट बिहेवियर एंड सेंसरी प्रोसेसिंग. आपके बच्चे ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर उनका सोशलाइज इफेक्ट होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इफेक्ट होती है, तो आपको वहाँ पे एज अ टीचर ज़्यादा फोकस करना है. नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंज इन द मोटर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज स्किल. किसी भी चीज़ की स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको प्लान करना, उनको अपने हाथों पैरों से कम्युनिकेट करना और उनका यूज़ करते हुए उसका बिहेवियर में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें भी बच्चे के सामने बहुत चैलेंजिंग होती हैं. शॉर्ट अटेंडेंस, क्लासरूम के अंदर शॉर्ट अटेंडेंस रहती है बच्चों की और शॉर्ट अटेंशन रहती है. शॉर्ट अटेंशन में क्या है, बच्चे ज़्यादा ध्यान ग्रहित नहीं होते हैं कि बच्चों ने थोड़ी देर देखा, सिखा रहे हो आप ठीक है, देखा फिर उनका ध्यान इधर उधर हो जाएगा. तो ऑटिज्म टाइप के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक अपना ध्यान एक जगह पर एकाग्रित करके नहीं रख सकते, इसलिए शॉर्ट अटेंशन होती है उनकी. पुअर इनोवेटिव स्किल्स होती हैं, डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंसिव, लंबे कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ने में, समझने में और बोलने में या उसको रीड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. तो यू शुड ट्राई कि आप ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने ना रखें. चैलेंजिंग विद सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट स्कूल का होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे के सोशल लाइफ में और ऑटिज़म वाले बच्चों के अंदर. वीक ऑन मोटर स्किल्स, बच्चे अपने मोटर स्किल्स में भी काफ़ी वीक होते हैं, उनकी हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स, लिप्स मूवमेंट, सब तरह की जो मूवमेंट्स होती है वो एक तरफ से कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाती है. अगर मैं यहाँ पे आपके साथ में पढ़ा रही हूँ तो मेरी हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट होगा, मेरे हाथ पैरों का, मेरे बोलने का, मेरे लिप्स का, मेरे आईज़ का, कि मुझे कहाँ देखना है. अब ये तो नहीं ना कि मैं पढ़ा सामने रही हूँ लेकिन वहाँ देख के बोलूँ, तो वो भी बिल्कुल एक अच्छा बिहेवियर नहीं होगा. लेकिन मैं यूज़ अगर पढ़ा रही हूँ आपके सामने तो कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रही हूँ, अपनी हैंड मूवमेंट्स दे रही हूँ. अगर मैं बिल्कुल स्टिल ऐसे खड़ी होकर पढ़ाती रहूँ तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा कि क्या रोबोट या स्टैचू की तरह खड़े हो गई है मैम, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, ऑटिज्म बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं. कन्वेंशनल बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स में नॉट वर्क, बच्चे के जो मैनेजमेंट होता है टेक्निक्स का और बिहेवियर को कन्वर्ट करने का वो काम नहीं करता है, ठीक है. पुअर वर्बल एबिलिटी, बच्चे की वर्बल एबिलिटी बिल्कुल पुअर होती है कि उसको कब क्या बोलना है, कहाँ कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, इस टाइप से. बट इन एबिलिटी टू रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम आंसर एंड कन्वर्सेशन, ठीक है. दे आर डिटेल लर्नर, दे मे सी अ पार्ट बट नॉट स्पेसिफिक होल पिक्चर्स. ये क्या है, थोड़े डिटेल लर्नर होते हैं, ये पूरी पिक्चर को मतलब अगर आप बच्चों को पूरी पिक्चर दिखाओगे तो वो पूरी पिक्चर्स को एक साथ नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते. तो आप ट्राई कीजिए उनके लिए एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक तरह से डिटेल में जाइए. अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको ऑटिज़म पढ़ा रही हूँ, इंटेलेक्चुअल और स्पेसिफाई लर्निंग पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इन तीनों को एक ही में इंक्लूड करके आपको पढ़ा देती तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, खिचड़ी पक जाएगी क्या चीज़ पढ़ाए. अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले इस पर फोकस कर रही हूँ, फिर इस पर, ठीक है. तो तीनों को अलग अलग पढ़ा रही हूँ. तो इसमें क्या किया कि अगर आप बच्चों को फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं, गाड़ी के मोटर्स पार्ट बता रहे हैं, तो आप पूरी गाड़ी अगर उन्हें दिखाएंगे, पूरी गाड़ी के बारे में बताएंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे. उनको डीपली समझना है, आप एक एक पार्ट के बारे में बताइए पहले, ठीक है. तो इस टाइप के बच्चे क्या होते हैं, आप इनको होल पिक्चर दिखाएंगे तो नहीं समझेंगे, आप उनके पार्ट्स दिखाइए तो बच्चे समझेंगे और उसके डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे. पुअर ऑडिटरी लर्नर्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ओके हमने पढ़ लिया. डिफ़िकल्टी इन अडेप्टिंग टू लैंग्वेज यूज एट होम वैन इट डिफ़िकल्टी फ्रॉम वन यूज इन स्कूल. बच्चे के सामने एक प्रकार की ये भी समस्या आती है इसमें कि जो घर पर लैंग्वेज यूज़ हो रही है और जो स्कूल में लैंग्वेज यूज़ हो रही है, अगर मान लीजिए कोई गुजराती बच्चा है और वो ऑटिज़म का शिकार है तो उसके घर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, गुजराती, वो वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज में सुन रहा है सब कुछ और सीखने की कोशिश कर रहा है, एकदम स्कूल में जाता है तो वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी यूज़ हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, उस कंडीशन में बच्चे के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी एक नई लैंग्वेज को सीखने में, पढ़ने में, दोनों के लिए डिफरेंशिएट करने में, ठीक है.
उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड फिगरेटिव लैंग्वेज लाइक स्माइल्स एंड मेटाफोनिस एंड आइडलिज्म. बच्चे के सामने किसी भी कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको फिगर आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. स्लो इन एक्वायरिंग प्री अकेडमिक कॉन्सेप्ट, बच्चा काफ़ी स्लो होता है अपने प्री अकेडमिक कॉन्सेप्ट को एक्वायर्ड करने में, समझने में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि मेरे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे टीचिंग के या फिर कि मेरे खुद के एज अ लर्नर जो रहे, तो उसको एक टाइम पे रिमाइंड करना या फिर उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ के साथ कनेक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ऑटिज़म वाले बच्चों को. ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की कमी होती है बच्चे के अंदर, वो सेल्फ मोटिवेटेड भी नहीं हो पाते हैं और टीचर उनकी हेल्प नहीं करती है, और अगर घर से उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है तो लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण वो बच्चे ऑटिज़म के अंदर और धंसते चले जाते हैं. मे नॉट कम्प्रिहेंड अकेडमिक कॉन्सेप्ट टॉट, आप उनको अकेडमिकली पढ़ाने में अगर ट्राई भी करो तो एक हद तक हम उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके हम उसको एक इंटेलिजेंस लेवल उसका चेंज क्या है नहीं कर सकते. ठीक है, इंटेलिजेंस रोड मेमोरी स्किल बट डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, ऑटिज़म बच्चों के साथ किसी भी चीज़ को रटने में बहुत ज़्यादा सरलता होती है, लेकिन उसको मीनिंगफुल लर्न करने में समस्याएं आती है. क्योंकि अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट है ऑटिज़म बच्चे के सामने और वो किसी चीज़ को ट्राई कर रहा है तो उसको हू बा हू वो रट लेगा, लेकिन अगर आप उसको मीनिंगफुल उसका मीनिंग बताते हुए समझाने की कोशिश करके लर्निंग करा रहे हो तो उस वाली कंडीशन में बच्चे को डिफ़िकल्टीज होंगी. ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिव चैलेंजेस मे हिडर द वे दे लर्न. ठीक है, बच्चे के सामने क्या आता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर को चेंज करने में और बाकी चीज़ों को. तो इसीलिए तो इसमें आपको पता चल गया कि जो आपका ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप वहाँ पे क्या हैं बच्चे के लिए एक प्रॉपर इन्वेंशंस कर सके, प्रॉपर टीचिंग करवा सके एक प्रॉपर वे में. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा ऑटिज़म के बाद आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ठीक है, तो अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं. ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होता है आपका, मैंने आपके साथ पहले जब कुछ डिसऑर्डर शेयर किए थे, पहले एक वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो आपको डिसऑर्डर वाली मिल जाएगी, जो मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ ना आपके सामने, मेंटली रिटायर्ड, मेंटल रिटायर्डमेंट, ये सब, उसी को नाम चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला गया था. ठीक है, तो इससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बच्चे बोले कि हम तो इस नाम के साथ फेमिलियर ही नहीं है, पता नहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है, हमें इसके बारे में नहीं पता, ये चीज़ें. बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है मेंटल रिटायर्ड को, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं उसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया गया है. ठीक है, मेंटल रिटायर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी व्हिच इज डिफाइंड एज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंस लिमिटेशन both in intellectual functioning like reasoning, learning, problem solving. जो आपकी mental retired की जो conditions होती हैं जिसका नाम change करके intellectual disability रख दिया गया, उसके अंदर क्या होता है, कुछ conditions होती हैं जैसे बच्चे की reasoning होती है, तर्कना होती है, सोच विचारने की क्षमता होती है, अधिगम यानी कि लर्निंग करने की पावर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की पावर होती है, ये सारी पावर्स क्या है आपकी इफ़ेक्ट करती है. आपके सामने कोई अजीब गजीब हरकतें करता है जो आपको ठीक नहीं लगती हैं, या आप सोचते हो तो कहते हो पागल है क्या, मेंटली पागल है, अगर मैं यहाँ पे आप खड़े होकर डांस करने लगूँ, डांस करते करते पढ़ाऊँ, तो आप भी कहोगे पागल है यार, ये तो कैसे पढ़ा रही है, अकल नहीं है, मेंटली पागल है लगता है, तो आप भी बोलोगे. तो हम मेंटली उन लोगों को कैसे
कैसे जज करते हैं कि जो अपने दिमाग का उस कंडीशन पे उस सही समय पे प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं तो वो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं जिनमें ये वाली फीलिंग्स नहीं होती हैं कि किसी चीज़ पे सोच विचार कर सके, तर्क ना कर सके कि कब मुझे कहाँ कैसा रिएक्ट करना है, अपनी लर्निंग कैसे करनी है, किसी अगर मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ किसी प्रॉब्लम में तो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर मुझे वहाँ पे कैसे टैकल करना है, ठीक है। एंड इन अडेप्टिंग बिहेवियर विच कवर्स रेंज ऑफ डेली सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड लर्निंग डिफिकल्टी एंड ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑटिज्म डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं एज सिमिलर जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वो अपनी सोशल लाइफ से बड़े रिकनेक्टेड होते हैं, वो अपनी सोशल लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पाते। आप कभी भी एक मेंटली रिटायर्ड बच्चे को अपडेट नहीं करोगे, आप जिस फैमिली जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसमें आप सभी क्या एक नॉर्मल बच्चे के साथ बिहेव करते हो, एक नॉर्मल बच्चे के साथ को अडेप्ट करते हो। अगर आपको कभी कोई मेंटली रिटायर्ड मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा कोई दिखे भी या कुछ तो आप खुद उससे दूरी बना के चलोगे कि पता नहीं कब क्या चेप हो जाए, कपड़े फाड़ने लगे या फिर परेशान करे या खुरेज दे आपको, तो आप भी इस तरह के डर और सेंसेशन के कारण क्या करते हो उससे दूरी बना के चलते हो, आप उसको भी अडेप्ट करते, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें होती हैं तो वो क्या है, ऑटिज़म बच्चे जैसे होते हैं कि उनका सोशलाइजेशन इतना नहीं होता है, एनवायरनमेंट इतना कनेक्टेड नहीं होता है, तो इन वाले बच्चों का भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले बच्चों का भी क्या होता है कि उनका भी सोशलिस्ट और सोशल एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे जो आपका मेंटली रिटायर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, मेंटली रिटायर्ड वाले बच्चे हम क्या बोलते हैं, अभी जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर कोई उल्टी फुल्टी हरकतें करें या नॉनसेंस वाली हरकतें करें तो आप सीधा उसको बोलते हैं कि ये तो मेंटली पागल है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, पागल है, ये मेंटली रिटायर्ड है, सीधा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि उनका आप आईक्यू लेवल लो समझते हैं कि इसका तो आईक्यू लेवल नॉर्मल नहीं है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल आईक्यू लेवल वाला बच्चा जिसका दिमाग या मानसिक संतुलन अच्छा होता है वो कुछ भी किसी भी कंडीशन में अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं करता है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर हम बेसिकली आईक्यूज रखते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर हम क्या कर रखते हैं, आईक्यू लेवल रखते हैं, अपना मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं जिसमें आपकी रेंज कुछ इस तरह से होती है, मिल्ड, मॉडरेट, सर्वर और प्रोफाउंड। इसमें कैसे रेंज होती है, ये होती है आपकी 50 to 69 वाली, ये होती है 35 to 49 वाली, ये होती है 20 to 34 वाली और ये होती है बिलो 20, ठीक है, 20 से कम वाली। अब आपकी ये जो होती है 35 और 49 और 20 और 40 वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेनेबल, ठीक है। और ऊपर वाला जो है 50 to 69 ये होता है एजुकेबल और लास्ट बिलो 20 होता है कस्टोडियल। इसमें क्या होता है, जो बीच वाली जो आपकी रेंज है इनको आप एक हद तक ट्रेन कर सकते हो, कुछ ना कुछ करवा के, कुछ ना कुछ लर्निंग करवा के सिखा कर इन वाले बच्चों को, ये दो वाले को मॉडरेट और सर्वर वाले बच्चों को क्या है आप ट्रेन करने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और जो आपके प्रोफाउंड यानी कि 20 होते हैं वो आपके कस्टोडाइल बच्चे होते हैं जिनको आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार की उनके साथ लर्निंग नहीं करवा सकते हो। और जो मिल्ड यानी कि 50 to 69 वाली रेंज होती है आईक्यू की, वो आपकी एडुकेबल वाली रेंज होती है, उसके अंदर क्या है आप बच्चे को इजीली एजुकेटेड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी
कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले यानी कि मेंटल रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ फंक्शंस और कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जो अभी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ही रहे हैं तो उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि उनका ग्रोथ फेलियर होता है, जो उनकी ग्रोथ होती है एक प्रॉपर वे में मेंटल एबिलिटी की वो फेलियर होती है, वो प्रॉपर वे में नहीं होती, मेंटली रिटार्डेशंस जो हो जाती हैं, और फ्लैट बैक ऑफ हेड होता है। जैसे आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर मैं आपको अपना पीछे का ये सर दिखाऊं तो सबका क्या रहता है, ऐसे गोलाई में रहता है, ठीक है, जो हमारे हेड की शेप होती है वो कुछ ऐसे गोलाई में रहती है ना, तो यहाँ से भी ऐसे फेस है तो यहाँ से भी ऐसे गोलाई में है यहाँ पे देखिए। लेकिन जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है तो उनका ये गोलाई ना हो के उनका क्या होता है, ये ऐसे फ्लैट होता है, ये वाला जो पार्ट हमारा ऐसे ये उठा हुआ है और ये वाला नीचे है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला उठा हुआ और ये नीचे वाले में भी ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ये चीज़ बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों का एक तो ग्रोथ फेलियर होता है, जो उनका हेड होता है पीछे से वो बिल्कुल ग्रोथ ना होके वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। और जो उनके बिग टोन्स विडली स्पेड होते हैं, जो पैरों के अंगूठे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैवी और बीच में गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। बच्चे का और क्या है, फ्लैट फेस होता है। फ्लैट फेस मतलब लाइक जैसे अभी आपके सामने मेरा फेस है तो यहाँ पे क्या है, आपको मेरा हेड थोड़ा मतलब फ्लैट लग रहा होगा वीडियो में तो, लेकिन हमारा हेड भी क्या है, एक्चुअलिटी में हमारा फोरहेड भी क्या है, फ्लैट नहीं होता है, थोड़ी सी उसकी भी ऐसे शेप होती है गोलाई में, फिर हमारी नोज़ की शेप आती है, लिप्स की आती है, फिर ये चिन वाला पार्ट आता है, फिर ये नेक वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन बच्चों के साथ ये जो हमारा फोरहेड होता है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बड़ा और बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। ये वाली जो मैंने कर्व्स बताया आपको कि हमारा एक्चुअलिटी में जो फोरहेड होता है वो फ्लैट ना होके थोड़ा सा कर्व में होता है, तो इन वाले बच्चों के साथ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं ये पूरा फ्लैट होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा चौड़ा और पूरा फ्लैट होता है, ओके। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, और इन वाले बच्चों के लिए क्या साथ क्या होता है, जैसे फिंगर्स होती है, मेरी फिंगर्स है, मेरी हाइट लंबी है तो उस अकॉर्डिंग मेरा हैंड भी लंबा है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग मेरी फिंगर्स भी लंबी लंबी है। लेकिन इन वाले बच्चों की अगर पूरी ग्रोथ हो गई है बॉडी की लेकिन फिजिकली, तो इनकी फिंगर्स भी क्या है, थोड़ी छोटी छोटी होंगी, कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, हाथ थोड़े छोटे होंगे, तो ये तरीके की चीज़ें भी आपको इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी फटाफट करेक्टरिस्टिक्स। ग्लोबल डिले इन अ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिव क्या है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। उनकी प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बॉडी का, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जिससे वो सोच विचार कर सके, सुन सके, बोल सके, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाता है बातों करने का, सोशलिज्म नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है कि वो किसी के साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है स्लो टू रिएक्ट, किसी भी चीज़ में बहुत स्लो होते हैं रिएक्ट करने के लिए। अगर मैं उनके ऊपर अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा अगर मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ जाए और मैं चांटा मार दूँ उसके, तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, आपने किसी को स्लैप किया वो तुरंत ही रोने लगेगा या कोई ना कोई गुस्से वाले रिएक्शंस देगा, लेकिन इन बच्चों को आपने चांटा मार दिया कुछ तो एकदम से किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करेंगे, ना वो रोएगा, ना कोई रिएक्शन देगा, ना गुस्सा, ना एंगर, कुछ भी नहीं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन सेटिंग गोल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी टाइप की गोल्स अपने लिए सेट करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं हम, इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ बच्चों के अंदर आती हैं। पुअर अटेंशन स्पैम एंड ईजिली डिसेप्टिव, किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर वे में अटेंशन नहीं कर पाते हैं। अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो अटेंशन रिमूव हो जाती है और वहाँ पे क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे मेंटेन हो जाती है, ठीक है। पुअर मेमोरी,
शॉर्ट टर्म मेमोरी और पुअर मेमोरी होती है, कोई भी चीज़ को याद करने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती है, किसी भी चीज़ को मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि बच्चा कुछ कंटेंट को, कुछ चीज़ों को याद करके रख सके काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को में लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। डिफ़िकल्टी और लो अचीवमेंट इन अकेडमिक स्किल्स लाइक नोट टेकिंग, मेमोराइज, डेफिनेशन। बच्चे के जो अकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं मेंटली रिटायर्ड बच्चों के, वो काफ़ी बेकार होते हैं। वो किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, मार्क्स, क्या है वो मेमोराइज करना हो, किसी चीज़ को गेन करना हो, टेकिंग करना हो, उस चीज़ में भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। स्लो रेट ऑफ लर्निंग एज़ कम्पेयर टू प्री स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, या ग्रुप लर्निंग जो होती है उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्लो लर्नर्स होते हैं। किसी भी चीज़ में लर्न करने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। डिफ़िकल्टी विथ जर्नलाइजेशन, डिफ़िकल्टी विद एडवांस अकेडमिक स्किल, किसी भी एडवांस अकेडमिक स्किल्स में कन्वर्ट करना या अपने आप को एडजस्ट करने में इन बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिले इन लैंग्वेज इफेक्टिव रीडिंग, किसी भी लैंग्वेज के लिए रीडिंग करनी काफ़ी डिफ़िकल्टीज बच्चे के सामने आती है, न्यू लैंग्वेज को सीखना समझने में। वीक वोकैबुलरी, वोकैबुलरी काफ़ी वीक होती है। थिंक एट कंक्रीट लेवल, कंक्रीट लेवल पर थिंक कर सकते हैं, जो सामने प्रेजेंट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकते। लिमिटेशन इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं इनके लिए, वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को भी क्या है प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, जैसे कई बार ऐसे होता होगा, आपने भी देखा होगा कि जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, जैसे आप उनको वॉशरूम जाने के लिए सजेस्ट करते हो कि वॉशरूम में जाओ, वहाँ पे आप यूरिन पास करो या जो भी है, तो वो कपड़ों में ही पास कर देते हैं, तो ये सारी हरकतें, तो आप बोलते हो पागल है क्या, बिल्कुल तेरे को क्या बोला था, क्या कर दिया, मेंटल है बिल्कुल, ऐसे बोलते हो ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने पे मिलती हैं कि बच्चे की जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, डेली लाइफ की वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे भी बच्चे अपने आप को प्रॉपर वे में शॉर्ट आउट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पुअर सोशल स्किल्स, जैसे मैंने अभी बताया अपनी सोशल स्किल्स में बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं बच्चे। डिफ़िकल्टी इन लिंकिंग एक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन, बच्चे के सामने जो भी एक्शंस हो रहे हैं या अपनी बॉडी से रिलेटेड बच्चे जो एक्शन कर रहे हैं किसी के टूवर्ड्स, उसमें कोऑर्डिनेट करना थोड़ा बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल सेफ्टी कम्युनिकेट नेविगेशन इशू, बच्चे अपनी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज होती है कि अपनी सेफ्टी से रिलेटेड आपको रोड के बिल्कुल साइड में चलना है, रोड क्रॉस बिल्कुल ध्यान से करनी है, उन्होंने देखा ट्रैफिक चल रहा है उसके बीच में से ही निकलते हुए चले गए, ठीक है, उनको पता ही नहीं कि अपनी सेफ्टी कहाँ पे है कहाँ पर नहीं है, तो अपनी सेफ्टी में भी काफ़ी लैक ऑफ नॉलेज होती है। यूज़ सिंपल लैंग्वेज विद शॉर्ट सेंटेंसेस, बच्चे क्या हैं इस तरह के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, छोटी छोटी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। इस हैज़ बीन डिफ़िकल्टी फॉलोइंग रूल्स एंड रूटीन, किसी भी प्रकार के रूल्स और रूटीन अगर आप उनके सामने रख देंगे तो उसको फॉलो करने में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बच्चे वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते हैं। एसोसिएट विद द डॉन और डिमिसिस, मतलब बाकी जो बच्चे के सामने फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करा भी रहे हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे प्रॉपर वे में उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं और एक प्रॉपर वे में उसको अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। ये थी करैक्टरिस्टिक्स, अब बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस। अ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लर्नर एंड अंडरस्टैंड एट मच स्लोअर पेस दैन द एवरेज पीयर, जो एक एवरेज बच्चा होता है उससे कम और बहुत स्लो लर्नर ये बच्चे होते हैं। देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंटली language behind due to intellectual impaired use real objects in natural environment is an initial components in teaching student with initial disability visual support learning by practice
task will help or facilitates learning among person with intellectual disabilities. आपको intellectual disabilities वाले बच्चों की जब भी learning करानी है तो you should try कि visual support हो and learning by practice हो, task हो, will help facilities learning हो और among person with the intellectual differences हो कि उसके जो intellectual disability वाले बच्चे हैं या एक group है आपस में peer group करें और बच्चों के साथ क्या है facilities आपको ऐसी provide करानी है जो उनके लिए learning by doing हो, practices and tasks पे available हो, visual aids हो, तो ये सारी चीजें आपको बच्चे के साथ एज अ टीचर रखनी है. ठीक है, नाउ बात करते हैं इम्प्लीकेशन की. ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर आता है इम्प्लीकेशन में इंटेक्चुअल वाले बच्चों के लिए डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन. याद रखना कि आप बच्चे को कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हो, नई टीचिंग करवाने जा रहे हो, तो नए एक्सपीरियंसेस को सीखने में या न्यू इन्फॉर्मेशन को सीखने में बच्चे के अंदर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है. शॉर्ट अटेंशन, अटेंशन काफ़ी शॉर्ट होती है, वो एक टाइम तक आपको एक लंबे टाइम तक बियर नहीं कर सकते. तो आपको यू शुड ट्राई कि आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए बच्चे को पढ़ाएं, चेंज करते रहें, नई नई एक्टिविटीज़ और अन्य अलग अलग मेथड यूज़ करते रहें. डिफ़िकल्टी विद मेमोराइज रेंटेशन, इसमें क्या है किसी भी चीज़ की रिपीटेशन और मेमोराइज करना, याद करना, रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चे को. Lack of ability to learn from incidental experiences, बच्चे के जो incidental experiences होते हैं उनको memorize करना काफ़ी मुश्किल होता है, उनको learn करना काफ़ी मुश्किल होता है. Next आता है difficulty in transforming learning from routine experiences the new situation, नई situation के अंदर अपने आप को relate करते हुए बच्चे के new routine experiences को नई learning में transfer करने में बच्चों के लिए सामने difficulties आती हैं. Then difficulty with communication and social skill, बच्चे की social skills को develop करने में और किसी के साथ communicate करने में, communication skills को develop करने में भी क्या है बच्चे के सामने problems face करनी पड़ती हैं. ठीक है, स्लो ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग टाइम, बच्चे का कॉग्निटिव यानी कि मेंटल जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है. अगर बच्चा सीख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, तो एक चीज़ को सीखने में, समझने में, अपने दिमाग में फिट करने में जहाँ 5 मिनट होने चाहिए वो उसमें बच्चा 15 मिनट भी लगा सकता है. ठीक है, डिफ़िकल्टी इन सीक्वेंसली प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइज एंड जर्नलाइजेशन, किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी चीज़ के लर्निंग के लिए ऑर्गेनाइज करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लेकर आती हैं. स्लो इन कॉम्प्रिहेंसिव अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अगर आप अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ करवा रहे हैं तो बच्चे वहाँ पर उस तरीके की लर्निंग करने के लिए एबिलिटी बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पुअर इन लिसनिंग एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ स्पीकिंग फ्रिक्वेंटली, बच्चे अपने आइडियाज़ को फ्रिक्वेंटली बोलने में, एक्सप्रेस करने में, अपने आइडियाज़ को, अपनी लर्निंग को करने में बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं. ठीक है, पुअर रीडिंग इंक्लूडिंग डिकोडिंग फोनोमेटिक नॉलेज एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, इन वाले बच्चों के सामने, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के सामने अगर आप कुछ साइंस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे साइंस बोलते हैं हम कि जाओ मत करो, इस तरीके की कुछ साइंस हैं या कोड या डिकोडिंग है या फोनोमैटिक नॉलेज है, इस टाइप के नॉलेज भी बच्चों को समझ नहीं आती है, तो आप ट्राई करिए एज अ टीचर आप बच्चों के सामने कोई भी साइन या कोड लैंग्वेज या फोनोमैटिक लैंग्वेजेस ना यूज़ करें. ठीक है, नेक्स्ट आता है पुअर इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड राइटिंग स्किल, बच्चे की आई हैंड एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है. ऐसे होता है बच्चा यहाँ लिख रहा है, वहाँ देख रहा है, आप सामने हो तो बच्चा वहाँ देख रहा है, वो सुन रहा है, तो ये सारी कंडीशंस बच्चे के सामने आती हैं कि वो स्किल्स के अंदर
कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाता है, पुअर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, बच्चे का ज़्यादातर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव में ही नहीं होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, ठीक है। पुअर इन अंडरस्टैंडिंग फिगरमेटिंग लैंग्वेज, जिसमें आइडम्स आते हैं आपके मेटाफोरिस, सिमिलाइज एक्सेट्रा, एंड डिफिकल्टी इन एक्सरसाइज राइटिंग वर्क, इलिटरेसी, चार्ट, ग्राफ, मैप्स, इन तरह की चीज़ों को सीखने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चे के सामने, जब आप चार्ट, मैप्स, कुछ भी पिक्चर्स, फ्रेम्स और ऑडियो सॉरी आपका विजुअल एड्स, मैप, फ्लैश कार्ड्स, इन सब का यूज़ करते हो, तो उससे बच्चे जल्दी सीखने में काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सीक्वेंटली स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव नंबर प्लेस वैल्यू। बच्चे के सामने क्या है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर बच्चा पड़ा हुआ है तो उसको स्टेप बाय स्टेप, मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको शॉर्ट आउट करना है, ठीक है, तो आप उसके एंड पॉइंट पे उसको शॉर्ट आउट करने के लिए आपको पहले उसकी स्टेजेस तो कवर करनी पड़ेंगी ना, तो बच्चे वन बाय वन स्टेजेस कवर करने के लिए, लास्टली पहुंचने के लिए उनके बीच में कोरिलेट करके उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है और उसमें स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को रिसॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। पुअर कॉम्प्रिहेंसिव इन वर्ड प्रॉब्लम्स, बच्चे के सामने वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं कि बच्चा किसी भी तरीके की वर्ड प्रॉब्लम को क्या है शॉर्ट आउट नहीं कर पाता है। स्लो इन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लाइक अगर मैं किसी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर ऑटिज़म बोल दिया, एक टेक्निकल वर्ड हो गया, इंटेक्चुअल बोल दिया, एक टेक्निकल वर्ड हो गया, लेकिन इसको ईजी वे में आपको समझाऊँगी नहीं, डिफाइन नहीं करूँगी, तो आपको भी ये सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो मेंटल रिटायर्ड बच्चे के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो बच्चे के सामने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने में भी, उसको अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने आती है। लास्ट पॉइंट, पुअर इन इनफेयरिंग मीनिंगफुल लिंकेज रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट के सामने एक मीनिंगफुल लिंकअप करना और उसको समझना और आपस में कोरिलेट करना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्या है बच्चे के सामने आती है, ठीक है। नाउ आपका कंप्लीट हुआ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो अब बारी आती है आपके लास्ट स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी की, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्या चीज़ आती है, पहले बात तो इसमें एक चीज़ पे फोकस करने के लिए ट्राई करिए, जो यहाँ पे अब हम थर्ड करने वाले हैं लास्ट स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, आप स्पेसिफाइड को भूल जाइए, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपकी क्या होती हैं कि आपको जब किसी भी चीज़ को लर्न करने में समस्या आ रही है, लर्न करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने अगर मेरा एक लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको कुछ डिसेबिलिटीज़ के जो एरर्स होते हैं वो सिखाए थे, जिसमें डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफेसिया, ये सारी चीज़ें बताई थी कि पढ़ने में विकार क्या होते हैं, लिखने में विकार क्या होते हैं, गणित में विकार क्या होते हैं, ये वही चीज़ है। क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपकी वही होती है कि जब हमें किसी चीज़ को सीखने में, लर्न करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल में नहीं बताऊँगी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, जिसके अंदर मैंने आपको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफेक्सिया, डिस और डायप्रेक्सिया, ये सारी चीज़ें क्या है आपके साथ वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वो वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी इससे रिलेटेड इसके टाइप, इसके करेक्टरिस्टिक्स और इसके इम्प्लीकेशंस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंडीशन विच डिफिकल्ट इन प्रोसेसिंग लैंग्वेज स्पोकन और रिटन दैट मे मीन फेस्ड एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड स्पीक, रीड, राइट,
spell or mathematic calculation. These includes condition and prescription disability like dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and development aphasia. ठीक है, मतलब जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो होती हैं जब आपको किसी चीज़ को सीखने में, समझने में कुछ एरर्स और कुछ प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़े, जो आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड हो, रीडिंग से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड हो, स्पेल करने से रिलेटेड हो, या मैथ्स की मैथमेटिक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने से रिलेटेड हो, जो आपकी एरर्स होते हैं, डिसग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है, डिसप्रेक्सिया होता है. ठीक है, ये सारे मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो वाली वीडियो देख लेना. नाउ अब बात करते हैं प्रिसेप्शुअल डिसेबिलिटी, मतलब इसके अंदर जो आपकी प्रिसेप्शुअल डिसेबिलिटी होती है, जो डिसलेक्सिया, डिसप्रेसिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं. तो मैं आपके यहाँ पे एक ही रह गई थी जो मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं की थी, वो शेयर कर लेते हैं. मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ, चलिए यहीं पर लिख देती हूँ. इसके अंदर लास्ट आपकी, मतलब जो बाकी की है, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसेबिलिटीज़, वो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना. उसके अंदर जो डिस्कस नहीं करी वो ये वाली डिस्कस नहीं किया है, तो उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं. प्रिसेप्चुअल डिसेबिलिटी ये रह गई है, इसमें क्या होता है, एक्वायर व्हेन अ पर्सन इन स्पीड ऑफ हैविंग नॉर्मल साइट एंड हियरिंग हैज डिफिकल्टीज इन द प्रिसेप्शन इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड बाय अ ब्रेन. जब हम नॉर्मली विजुअल, ऑडियो, टेक्निकल, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ों से कोई ना कोई चीज़ को अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं बॉडी में, उसको ब्रेन के थ्रू कैसे आप करते हो. अगर मैं बोलूँ नॉर्मल में, नॉर्मली, कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर या अपने दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो कैसे करते हो, या तो सुन के करोगे, या पढ़ के करोगे, या देख के करोगे, या किसी चीज़ को टच करके करोगे, फील करके करोगे. तो ये सारी चीज़ क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को अपनी साइट्स के अकॉर्डिंग, हियरिंग के अकॉर्डिंग, अपने विजुअल के अकॉर्डिंग, अपनी सेंसेशन के अकॉर्डिंग, स्मेल के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन तक रिसीव करते हो. प्रिसेप्चुअल डिसेबिलिटीज आर, और ये सारी एरिया इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, वो होता है आपका प्रिसेप्चुअल डिसेबिलिटी. ठीक है, मतलब विजुअल, ऑडियो, टेक्साइल, स्मेल, टेस्ट, वोकैबुलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस भी थ्रू आप अपने ब्रेन तक कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो, जब वो चीज़ें इफेक्टेड हो जाती हैं किसी कारणवश, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रिसेप्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं. ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे पढ़ लेते हैं फटाफट. विजुअल परसेप्शन डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम विद ऑर्गेनाइज्ड पोजीशन, जजमेंट, डिस्टेंस एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन. जो प्रिसेप्शन डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता, हो पाता है, किसी चीज़ में जजमेंट नहीं दे पाते हैं, किसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होता है, प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं होती है. ठीक है, उसके बाद ऑडिटरी प्रिस्क्रिप्शन डिफेंस, इनएबिलिटी टू डिसऑर्ड डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड ट्रेबल. जो आपका ऑडिटरी डिसेबिलिटीज आती है इसके अंदर, वो क्या है, आपको साउंड पहचानने में, सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और वो चीज़ आप में कमी देखने को मिलती है. स्टेइंग फोकस्ड, कीप अप विद ऑडिटरी इनपुट. तो आप ट्राई कीजिए कि वहाँ पे ऑडिटरी इनपुट्स के साथ रहें, टच में रहें और फोकस करके रहें. ठीक है, स्मेल एंड टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन में क्या आता है, इनएबिलिटी टू डिस्कन ऑर्डर एंड टेस्ट. आप वहाँ पे किसी भी चीज़ का टेस्ट एंड स्मेल को प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते हो. ठीक है, तो ये था आपका लर्निंग डिसेबिलिटी. अब फटाफट से इसके लर्निंग और डिसेबिलिटी के क्या हैं जो रह गए हैं बाकी, डिसकैल्कुलिया वगैरह मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, मैं दोबारा नहीं बताऊँगी. ठीक है, तो अब इसके इम्प्लीकेशंस पढ़ लेते हैं फटाफट. इम्प्लीकेशंस हैं इसके, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी कैन मेक
रीडिंग राइटिंग स्लो एंड चैलेंजिंग. बच्चे के लिए जब किसी भी चीज़ की राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जब एरर्स उत्पन्न हो जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं डिसकैल्कुलिया, डिसप्रेसिया, डिसलेक्सिया जैसे, तो उनको शॉर्ट आउट करने के लिए और अलग तरीके खोजने पड़ते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, आपके वो सारे ऑर्डर्स क्या है इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग के अंदर. हैव मेमोरी डिफिकल्ट्स, वहाँ पे क्या आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट्स करती है, वहाँ पे आप किसी चीज़ को लर्न करने में प्रॉब्लम करते हो. नीड मोर टाइम टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए सोचना, समझना या लिखना पढ़ना किसी भी चीज़ में. और रिप्लाइंग वन स्पोकन टू विच कैन रिजल्ट टू डिफिकल्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लासरूम एंड ग्रुप डिस्कशन. अगर आप रिटर्न भी कुछ आंसरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्या है, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करने में टाइम लगता है, ग्रुप डिस्कशन में बोलने में टाइम लगता है, ठीक है. मे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, किसी भी चीज़ के टूवर्ड्स एक प्रॉपर वे में अटेंशन स्थापित करना या एक टाइम पे अपना ध्यान एकाग्रित करना काफ़ी मुश्किल बच्चों के लिए हो जाता है. पुअर इन ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी पुअर होते हैं बच्चे. डिफ़िकल्टी इन ट्रैकिंग असाइनमेंट्स और सप्लाईज एंड सबमिटिंग वर्क ऑन टाइम, किसी भी चीज़ के वर्क सबमिटिंग में अगर आपको काम दिया गया है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लोज होते हैं, असाइनमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, होमवर्क प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू विजुअल और ऑडियो आउटप्रिंट्स, मतलब किसी भी जो ऑडियो और विजुअल उनको आउटपुट्स मिल रहे हैं बाहर से, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं उसको रिसीव करने के लिए. नेक्स्ट आता है इनएबिलिटी टू मॉनिटर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को या किसी की भी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में, मॉनिटर करने में काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को देखने को वहाँ पर मिलती हैं. डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड स्पेलिंग वर्ड एनालाइज फ्रिक्वेंसली रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव, जो कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ने होते हैं, वर्ड एनालाइज होता है मतलब होता है किसी का जानना, या रीडिंग होती है या स्पेलिंग होती है, इन सब में डिफ़िकल्टीज बच्चों को देखने को मिलती है. पुअर इन अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइनिंग मीनिंग सच आर्टिकल एंड फिगरेटिक लैंग्वेज एंड एडजस्टिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट यूजेस एंड पर्पज, जो भी बच्चे के सामने फिगर्स होती हैं, आयरोनिकल फिगर्स होती हैं, अंडरलाइनिंग मीनिंग्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, एडजस्टिंग्स होती हैं, उन सब को समझने में और उनको अलग अलग रखने में, ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज बच्चे को फेस करनी पड़ती है. मे स्किप वर्ड लॉस प्लेस मिस्टेक वन वर्ड फॉर अनदर रिवर्सल ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड, और ये सारे बच्चे क्या करते हैं, बीच में से शब्दों को खाना, शब्दों को छोड़ना, मिसप्लेस करना, भूल जाना, इस तरीके की कंडीशन इन बच्चों के सामने देखने को मिलती है, ठीक है. उसके बाद आता है लिमिटेड एंड रिपीटेटिव यूज़ ऑफ वोकैबुलरी, अननेसेसरी और अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन और डिटेल, कम्युनिकेट एरर्स इन स्पेलिंग एंड पंचुअलिटी ग्रामर एंड हैंड राइटिंग, किसी भी टाइप की लिमिटेशन एंड रिपीटेटिव जो वोकैबुलरी होती है, अननेसेसरी एंड अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो एरर्स कन्वर्ट होते हैं बच्चे की लैंग्वेजेस में या मीनिंग्स में, उसको अचीव करने में बच्चे के सामने क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस बच्चे को करनी होती हैं, ठीक है. तो वहाँ पे बच्चे की जो ग्रामर होती है, जो स्पेलिंग्स होती हैं, वोकैबुलरी होती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे के एक तरह से टूवर्ड्स इफेक्ट करते हैं. उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी विद नंबर्स, रिमेंबरिंग फैक्ट्स,
sequentially comprehensive concept related to directions, place, value, decimal. जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, लाइक डेसीमल्स होंगी, प्लेस वैल्यूज होंगी, डायरेक्शंस होंगी, और फ्रीक्वेंटली फैक्ट्स होंगे, रिमेम्बराइज फैक्ट्स होंगे, नंबर्स होंगे, टाइम होगा, ये सारे फैक्शंस पढ़ने होंगे. इन सभी चीज़ों में कॉन्सेप्ट में क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. लास्ट इसके अंदर आता है पुअर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम. किसी भी चीज़ के वर्ड प्रॉब्लम के साथ कोऑर्डिनेट करने में, उसको सही जगह पर रखने में, स्थापित करने में, इन सारी चीज़ों के अंदर भी क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. ठीक है, अब इसी के साथ ये तीनों भी हमने समझ लिए, ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी. अब जो लास्टली कहानी रह गई है इसमें, वो ये रह गई है कि जो मैंने डिसऑर्डर्स पहले डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो के अंदर, वो आप देख लेना. इसी के साथ ये वाला टॉपिक फिनिश होता है. इसके अंदर शायद एक सब टॉपिक रह गया होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी. देन उसके साथ आपका पूरा पेडागोजी का, पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड किसी को KVS कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं. तो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.